अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, होपफुली आप सब जो है वो ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। आज जो है वो आपके साथ जो है वो रेमेडी जो मैंने शेयर की थी, जाहिर सी बात है एक्नी वाली। अगर आपको एक्नी बहुत ज़्यादा हो रही है तो आपकी एक्नी जो है वो बिल्कुल इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी अगर आप इस रेमेडी को जो है वो 2 से 3 दिन जो है वो लगातार यूज़ करेंगे। अभी जो है मुझे एक्नी हो रही थी क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से जो है वो फ्राइड चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है वो खा रही हूँ, तो इस वजह से मुझे ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पर एक्नी हो रही है। तो इसको जो है वो ठीक करने के लिए हमने रेमेडी तैयार की है, उसको हम अभी अप्लाई करते हैं और आपको दिखाते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर हम अपनी रेमेडी जो है उसको तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले जो उसके लिए हमें चाहिए होगा दालचीनी का पाउडर, आपके पास जो भी दालचीनी घर में मौजूद होगी उसको आप लोगों ने जो पीस लेना है। हाफ लेमन इसमें जाएगा, लेमन जो है आपके एक्नी को बिल्कुल ड्राई कर देगा। और साथ ही साथ इसमें जो है वो हल्दी पाउडर जाएगा, क्योंकि हल्दी पाउडर से जो है वो आपका जो भी एक्नी होगी ना उसमें जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्ट होगा वो जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही साथ शहद भी जाएगा, शहद आपके स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ करेगा। ओके, आप लोगों ने जो है वो 2 टीस्पून जो है वो आप लोगों ने ले लेना है दालचीनी का पाउडर, हाफ टी स्पून आप लोगों ने ले लेनी है हल्दी, हाफ लेमन इसमें जो है वो डाल देना है, लेमन जूस। नेक्स्ट आप लोगों ने जो है वो हाफ टी स्पून के करीब जो है वो शहद इसके अंदर ऐड कर देना है, प्योर शहद जो भी और आपके पास अवेलेबल हो आप उसमें ऐड कर देंगे। शहद आपकी स्किन को जहाँ जहाँ से रेडनेस होगी उसको जो है वो ख़त्म कर देगा। इसको जैसे मिक्स कर लेंगे, ये एक थोड़ा सा थिक सा पेस्ट बनेगा और इसको जो है वो हम अपने पिंपल पे अप्लाई करके छोड़ देंगे। अगर आपकी एक्नी जो है वो एक्टिव भी है तो भी जो है वो आप इसको उस पर अप्लाई कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह जो है वो 2 से 3 दिन में अगर आप रेगुलर यूज़ करेंगे वो इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। या आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस जो है वो इतनी होगी। अगर आप इसको थोड़ा सा और जो है वो पतला करना चाहते हैं तो इसमें आप रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये मास्क हमने जो था वो बनाया था, मास्क नहीं है, एक पेस्ट है जिसके अंदर हमने हल्दी यूज़ की है, दालचीनी का पाउडर यूज़ किया है और साथ ही साथ लेमन जूस और शहद जो है वो यूज़ किया है। आपको बनाने का तरीका भी हम बता चुके हैं। इसको जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, जहाँ जहाँ आपको एक्नी है ना आपने बस ये थोड़ा सा लेना है अपने हाथ पे और वहाँ पर जो इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है, और इसको ड्राई होने तक छोड़ देना है। यहाँ जो है वो मुझे पिंपल निकल रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है, और साथ ही साथ मेरे चिन एरिया पे भी मुझे पिंपल्स जो हैं वो निकल रहे हैं। अभी जो मैंने फेस पे सिवाय टिंट के कुछ भी नहीं लगाया हुआ, लिप एंड चिकटी जो मैंने घर में ख़ुद बनाया है, जो नेचुरली आपके जो लिप्स हैं और आपके जो चीक्स हैं उनको नेचुरली जो है वो पिंक कर देता है, तो उसकी रेमेडी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो फिलहाल इसको जो है वो आप लोगों ने लगा के छोड़ देना है, ड्राई होगा, ड्राई होने के बाद जो है वो हम आते हैं और आपको दिखाते हैं इसके रिजल्ट्स, मुंह जो है वो धोकर आएंगे और फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे। ओके, वेलकम बैक। अच्छा जी, काफ़ी हद तक जो है वो हमारा ये ड्राई हो चुका है। एक बात बता चलूँ कि अगर आपको थोड़ी ही जो इचिंग फील हो तो आप जो है वो इसको फिर भी रहने दीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है वो हल्दी वगैरह ये चीज़ें मौजूद हैं। और अगर कोई चीज़ अगर आपको लगे कि थोड़ी सी जलन हो रही है, हल्की सी अगर हो रही हो तो उसको रहने दीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ जो होती है वो तब काम कर रही होती है तो उसको रिमूव नहीं कीजिएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इचिंग या फिर जलन महसूस हो आपको तो आप उसको जो है वो रिमूव कर सकते हैं, शायद आपकी जो काफ़ी जो स्किन है वो सेंसिटिव हो सकती है, तो इस वजह से जो है, लेकिन ये जो है वो बिल्कुल भी हार्मफुल चीज़ें नहीं है। इसमें जो है वो हल्दी है, दालचीनी है, नींबू है, शहद है, तो आपको कोई जो है मसला नहीं होगा। तो आपकी जो भी रेडनेस वगैरह है वो खत्म हो जाएगा, आपका जो पिंपल है वो ड्राई हो जाएगा। आपने बस 2 से 3 दिन इसको जो रेगुलर यूज़ करें आपका पिंपल इंशाल्लाह बिल्कुल जो है वो गायब हो जाएगा और उसका कोई निशान या स्कार भी नहीं रहेगा। हम इसको जो है वॉश करके आते हैं और फिर आपको जो रिजल्ट दिखा दें, ठीक है। हाँ जी, तो वेलकम बैक। अब आप देख सकते हैं कि मेरे जो पिंपल्स थे उनकी जो थोड़ी थोड़ी रेडनेस थी वो कम हो चुकी है और मेरे पिंपल्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो ड्राई हो चुके हैं। अब जो है वो हम कोई भी जो है एलोवेरा जेल लेके, कोई भी एलोवेरा जेल, उसको हल्का सा जो है अपने फेस के ऊपर ऑफ थोड़ा थोड़ा टैप कर देंगे, ठीक है। इस तरह जो है वो जो ब्लीचिंग वगैरह आपको हो रही होगी वो नहीं होगी और आपकी जो स्किन है वो और ज़्यादा जो है वो फ्रेश हो जाएगी। तो इंशाल्लाह अगर आप इस रेमेडी को 2 से 3 दिन रेगुलर करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। होपफुली आपको जो है वो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को ऑन कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हाफ़ फेज़।